हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और पवन सिंह आजकल बहुत ज़्यादा गाना ला रहे हैं, और क्या ऐसे ही वो 10 साल 15 साल पहले ऐसे ही गाते थे या उनका गायकी में कोई चेंज हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, पवन सिंह रियाज कर रहे हैं हारमोनियम पे, और किस तरह से उनका मधुर आवाज है, बिना ही मधुर आवाज आता है उनका स्टूडियो में, तो समझ सकते हैं कितना मतलब ओरिजिनल आवाज भी उनका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको कुछ अलग से वीडियो आज दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर यूट्यूब आने के पहले, यानी जब सीडी का जमाना था, तो किस तरह पवन सिंह रियाज करते थे, और एकदम नॉर्मल आम आदमी की तरह वो सारे लोगों के बीच रियाज करते थे, तब जाके स्टेज पर कहीं गाते थे या फिर जाके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाते थे। जो वीडियो देखा, ये 2015 का एक वीडियो है जो कि देख रहे होंगे। इस गाने को जैसे शूटिंग हुआ था 2015 में, आप लोग यूट्यूब पे जाकर इस गाने को सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2015, यानी कि 8 साल पुराना गाना ये मिलेगा। और 8 साल पहले किस तरह से पवन सिंह का लुकअप आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से मतलब थे, और आज कहां तक उनका 2023 में किस तरह का मतलब पर्सनैलिटी बन चुका है। साथ में आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे ध्यान से, तो आपको मालूम चलेगा छोटा लड़का है जो कि कल्लू जी है, और कल्लू जी उस टाइम से अपना करियर बनाने में लग गए थे और आज ही भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर जमाए हुए हैं, समझ सकते हैं। उनका पहला एल्बम आया था लव के टोनिक पीएल करा, और उस समय से वो पवन सिंह के साथ जुड़ चुके थे और जुड़ के उनके साथ काम करना स्टार्ट कर चुके। और साथ ही में आप लोग उस वीडियो में एक और पर्सन को देख रहे होंगे जिनका नाम है आनंद मोहन जी, और किस तरह से उस टाइम से भी वो बहुत ज्यादा फेमस थे, यानी कि पवन सिंह से आने से पहले भी वो ज्यादा फेमस थे, लेकिन पवन सिंह जब आए उनके गायकी को उन्होंने देखा तो उनके टीम के साथ, यानी उन सभी लोग एक साथ जुड़ के काम करने लगे। देखिए आज के भोजपुरी है जो कि आज के भोजपुरी में हमेशा सारे लोग का लगभग टीम है, और पवन सिंह का अलग टीम है, खेसारी लाल का अलग टीम है, रितेश पांडे का अलग टीम है, कॉलू का अलग टीम है, लेकिन उस समय ये ऐसा नहीं था हमारे भोजपुरी में। बहुत ही अच्छा सारे लोग एक साथ कलाकार, जो कि एक्टर एक्ट्रेस सिंगर जो भी है, सब एक साथ बैठ कर रियाज करते थे, और किसी गाने को किसी फिल्म में बनाने को बहुत ज़्यादा लोग मेहनत एक साथ करते थे, तब कहीं से अच्छा फिल्म बन कर आता था। और इस तरह आजकल के जो यूट्यूब का जमाना है कि वो उसका फैन उसको घर दिया, उसका फैन उसको घर दे, वैसा उस टाइम नहीं था, क्योंकि सीडी का जमाना था और सारे लोग सारे सिंगरों का पसंद किया करते थे। बात करते हैं इस गाने को, अगर आप YouTube पे जाकर देखिएगा तो YouTube पे सर्च कीजिएगा इस गाने को, तो आप लोग किस तरह से इसका रिकॉर्डिंग हुआ था, जो कि आपका ओरिजिनल वॉइस है, आपको यहाँ सुनने का थोड़ा सा क्लिप जरूर आपको सुनाएंगे। कुछ इस प्रकार से शूटिंग हुआ था, और ये गाना शूटिंग हो जाने के बाद पवन सिंह का ये रियाज वाला वीडियो है 2015 का, यानी 8 साल पुराना वीडियो। तो 8 साल पहले पवन सिंह किस तरह से गाते थे आप लोग देख चुके होंगे, बहुत ही अच्छा उनका उस टाइम भी आवाज था। वीडियो को फुल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर दूसरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जरूर कमेंट कीजिएगा पवन सिंह का पुराना वॉइस अच्छा है या फिर आपका वॉइस अच्छा है या दोनों सेम ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक गुड बाय।